साथियों नमस्कार। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कीज तक के कंसेप्ट की बात की थी। हमने सबसे पहले बात की थी ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम क्यों काम में लेते हैं, ईआर डायग्राम के कुछ एक टर्म्स की अपन ने बात की थी, जनरल टर्म्स हमने बात की थी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, एंटिटी क्या होती है हमने बात की, एंटिटी सेट क्या है, एंटिटी टाइप क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, डोमेन क्या है, ये तमाम बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। इसके बाद साथियों हम आ गए थे अपने कीज के कंसेप्ट पर। कीज क्या होती हैं हमने बात की थी कुछ एक कीज के बारे में। यहां पर एक बार फिर हल्का सा अपन इसको लेकर चलते हैं। देखिए हमने ये कहा था कि सपोज कोई एम्प्लॉय है, आप किसी एम्प्लॉय डेटाबेस की अगर बात करें, एम्प्लॉय डेटाबेस, आपको किसी एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए। आपने कहा भैया एम्प्लॉय का नाम है सपोज एक्स, एम्प्लॉय का नाम आपने बताया, से आपने एम्प्लॉय का फादर्स नेम बताया और आपने एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर बता दिया। यहां से एक यूनिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकल के आ गया। एग्जाम्पल हमने लिया कि सपोज आपके पास बड़ा डेटाबेस है, सपोज कोई बंदा आता है ऑफिस के अंदर, वो कहता है भाई हमें दीपेश जी से मिलना है। कौन से दीपेश जी? रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि हमारे यहां तो 15 दीपेश जी है, 15 दीपेश जी हैं। नाम बताया, फादर्स नेम बताया कि नहीं साहब इस नाम और फादर्स नेम से भी 6 दीपेश जी निकल रहे हैं। फिर मोबाइल नंबर बताया तो एग्जैक्ट जो दीपेश जी जिनकी हमें आवश्यकता थी उनकी डिटेल हमें बता दी। हो सकता है कोई दूसरे सज्जन आए दीपेश जी को ढूंढने, उन्होंने नाम बताया और ईमेल आईडी बता दिया। ठीक है सर, एक यूनिक दीपेश जी निकल के आ गए। हो सकता है कोई तीसरा बंदा आया, उसने नाम बताया दीपेश जी से मिलना है और एम्प्लॉय आईडी बता दिया कि भाई इनका एम्प्लॉय आईडी ये है। ठीक है, एक यूनिक दीपेश जी निकल के आ गए। हो सकता है कोई और भी इस तरीके की चीजें निकल के आ जाए जिससे कि एक यूनिक दीपेश जी निकल जाए। ठीक है, तो वो सभी तरीके जिससे कि हम एक यूनिक रिकॉर्ड को निकाल पा रहे हैं, वो सभी एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन जिनको कि हम एक यूनिक दीपेश जी या यूनिक रिकॉर्ड को निकाल पा रहे हैं उसे हम कहते हैं सुपर की। सुपर की क्या है? सुपर की को अगर हम डिफाइन करें, सुपर की हमने कहा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिससे कि एक यूनिक रिकॉर्ड अद्वितीय रिकॉर्ड को निकाला जा सके या रिट्रीव किया जा सके। सुपर की हमने कहा है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिससे कि हम एक यूनिक रिकॉर्ड को डेटाबेस से निकाल सकें, वो हमारा क्या है? वो हमारा सुपर की है। हमने कैसे निकाला? एक सुपर की तो क्या हो गई? नेम, फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर। अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसमें सुपर की क्या है, सुपर की नंबर वन, पहली सुपर की क्या हो गई साहब? नेम, फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर। आपने कहा साहब दूसरी सुपर की कौन सी है? हमने कहा साहब नेम है और ईमेल है। सॉरी, तीसरी सुपर की हमने कहा साहब नेम है और एम्प्लॉय आईडी है। तो ये सब क्या हो गई? इसकी सुपर की हो गई।
जिससे कि हम एक यूनिक रिकॉर्ड को निकाल सकें, एक अद्वितीय रिकॉर्ड को निकाल सकें, वो हमारी सुपर की होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट, आगे चलते हैं। हटा दें सबको, हटा देते हैं। सुपर की का कंसेप्ट अपना यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट अपना आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, जब आपने बताया कि भाई दीपे जी से मिलना है, आपको नाम बता दिया, फादर्स नेम बता दिया, मोबाइल नंबर, रिसेप्शनिस्ट ने कहा नहीं भाई नाम फादर्स नेम की जरूरत नहीं, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे दो। मोबाइल नंबर बताया, एक दीपे जी निकल के आ गए, नाम और फादर्स नेम की यहां पर आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरे सज्जन को रिसेप्शनिस्ट ने कहा नहीं सब ईमेल आईडी है तो काफी है, ईमेल आईडी से पता कर लेंगे, नाम की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह तीसरे सज्जन से ये एम्प्लॉय आईडी ले लिया, नाम की आवश्यकता नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सुपर की में से जो हट सकता है वो हटा दिया कि भाई केवल इसी से काम चल जाएगा। ओके, तो जो हट सकता है वो हटा दिया, अब बचा हुआ नहीं हट सकता, बचे हुए में से आप नहीं हटा सकते। तो कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की, मिनिमल सुपर की, जो सुपर की है उसमें से जो एट्रीब्यूट हट सकते हैं वो हटा दीजिए, जो बच गया वो कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की, मिनिमल सुपर की, सुपर की में से जो एट्रीब्यूट्स जरूरी नहीं है उनको हटा दीजिए, बच क्या गया आपके पास? कैंडिडेट की बच गया। किसी यूनिक रिकॉर्ड को निकालने के लिए सुपर की में से जो एट्रीब्यूट हट सकते हैं वो हटा दीजिए, फिर भी यूनिक रिकॉर्ड निकाल पाए तो उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट को अपन क्या कहेंगे? कैंडिडेट की कहेंगे। अब यहां पर कैंडिडेट की कौन कौन सी हो गई? सब पहला कैंडिडेट की तो हो गई मोबाइल नंबर, दूसरा हमारे पास क्या हो गया सब? ईमेल आईडी। तीसरा अपने पास क्या हो गया सब? एम्प्लॉय आईडी। तो ये सारे यहां पर कैंडिडेट की हो गए। मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की। सुपर की में से जो हट सकते हैं वो हटा दीजिए, क्या कहेंगे उसे हम? उसे हम कहेंगे कैंडिडेट की। इज इट क्लियर? हटा दें सबको, शुड आई रिमूव? राइट, हटा देते हैं सब। नेक्स्ट कंसेप्ट जो अपना आता है वो आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की, प्राइमरी की, इसको भी हटा देते हैं। प्राइमरी की क्या है? तो आपके पास कई कैंडिडेट की हो सकती है जिससे कि आप एक यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकें, और कैंडिडेट की में से कोई एक की आपका सॉफ्टवेयर यूज में लेगा और उसे आप क्या कह रहे हैं? प्राइमरी की कह रहे हैं। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की वह कैंडिडेट की जिसे कि आपका सॉफ्टवेयर यूनिक रिकॉर्ड निकालने या आइडेंटिफाई करने के
काम लेता है। वह कैंडिडेट की जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर, कैंडिडेट की में से ही कोई प्राइमरी की होगी, काम वही है यूनिक रिकॉर्ड निकालना। तो कैंडिडेट की में से एक की ऐसी होगी जिसे कि आप प्राइमरी की बनाएंगे। कैंडिडेट की में से एक की, वह की, वह कैंडिडेट की जिसे कि आपका सॉफ्टवेयर यूज में ले रहा है। सॉफ्टवेयर किस लिए यूज में ले रहा है? अपने किसी यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने या निकालने के लिए। उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप प्राइमरी की कहेंगे। आई होप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखिए तीनों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। सुपर की, सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिससे कि यूनिक रिकॉर्ड निकाल सके। कैंडिडेट की, उसमें से जो हटा सकते हैं वो हटा दीजिए, मिनिमल सुपर की। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की में से एक वो वाली कैंडिडेट की जिसे कि आपका सॉफ्टवेयर काम में ले रहा है, उसे आपने क्या कहा है? उसे आपने प्राइमरी की कहा है। आई होप द कंसेप्ट इज 100% क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास आता है फॉरेन की। देखिए सर, अपन एक एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर ही वापस से आते हैं। आपने एक टेबल बनाई, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपने तमाम डेटा रखा। कौन कौन सा डेटा आपने रखा? जैसे आपने कहा ये एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपने कहा सब एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, सपोज डेजिग्नेशन है, सपोज आपने कहा सब डिपार्टमेंट है। ये चार फील्ड आपने यहां पर, चार एट्रीब्यूट्स आपने यहां पर रख लिए। मान के चले हमने यहां पर छह एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखा, आठ रख लेते हैं, कितना भी रख लीजिए। एम्प्लॉय नेम हमने कहा सब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन आपको बताना है, आपने बता दिया सब जैसे कंप्यूटर टीचर, केवल कॉम टी लिख के छोड़ दिया। दूसरा था मैनेजर, आपने कहा सपोज मैनेजर। तीसरे में फिर कंप्यूटर टीचर से सी टी लिख के छोड़ दिया। फिर सपोज आपका कंप्यूटर टीचर था, ऑपरेटर ने लिखा कंप्यूटर टीचर। चौथे में फिर कहा से मैनेजर है, से एम जी आर, ऑपरेटर ने इस तरह एंट्री कर दी। इसी तरह डिपार्टमेंट था, आपने कहा सब कंप्यूटर साइंस है, ये आपने कह दिया सब ये पर्सनल डिपार्टमेंट है सपोज। यहां पर कंप्यूटर टीचर आपने कह दिया सब आईटी डिपार्टमेंट में था, फिर कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। देखिए डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रही है। कंप्यूटर टीचर को आप अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। सपोज आपसे कहा गया कि सारे कंप्यूटर टीचर्स की डिटेल निकालो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर आपसे कहा गया कि सारे कंप्यूटर टीचर्स की डिटेल निकालो तो गड़बड़ हो जाएगी यहां पर, तो क्योंकि आप कैसे ढूंढेंगे, कहीं पर कॉम टी लिख दिया, कहीं पर सी टी लिख दिया, कहीं कंप्यूटर टीचर लिख दिया। सपोज 10,000 रिकॉर्ड है तो उनमें से डेटा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से डिपार्टमेंट में दिक्कत आएगी। तो क्यों ना अपन एक काम करें, हम एक डेजिग्नेशन टेबल अलग से बना देते हैं। डेजिग्नेशन टेबल आपने अलग से बना दी और उसमें आपने दो फील्ड ले लिए, दो कॉलम आपने ले लिए। एक तो ले लिया आपने डी आई डी,
और एक आपने ले लिया डी नेम। डीआईडी आपने कहा 101, 102, 103 सब कुछ। 101 में आपने लिख दिया साहब सीटी कंप्यूटर टीचर के लिए, मैनेजर के लिए 102 और जो भी आपके डेजिग्नेशंस हैं। इसी तरह आपने एक डिपार्टमेंट टेबल बना दिया और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर फिर आपने एट्रीब्यूट ले लिए। सपोर्ट डीआईडी हो सकता है, डिपार्टमेंट नेम हो सकता है। आपने कहा साहब 1, 2, 3, 4 इस तरह मेरे डिपार्टमेंट्स हैं। से 1 का मतलब है कंप्यूटर साइंस, 2 का मतलब है पर्सनल, 3 का मतलब है समथिंग एल्स। और जो यहां पर आपने ये डेजिग्नेशन लिखा है, इसकी जगह पर क्यों ना मैं इस जगह पर लिखता जो डेजिग्नेशन हमारे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए 101, तो ये 101 है, ये 101 है, ये 101 है, ये सपोज 102 है, ये सपोज 102 है, एंड सो सो ऑन। इसी तरीके से जो आपके डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट में हमने बता दिया, जैसे आपने कहा ये मेरा डिपार्टमेंट नंबर, ये मेरा डिपार्टमेंट नंबर है 1, ये है सपोज 2, ये है 1 1 1। अब बताइए साहब गलती होगी क्या? नहीं होगी ना, कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। जो आप कभी कंप्यूटर साइंस लिख रहे थे, कभी टी लिख रहे थे, सी टी लिख रहे थे, कभी आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लिख रहे थे, कभी कंप्यूटर फैकल्टी लिख रहे थे, वो सब आपका खत्म हो गया ना। आप यहां पर क्या लिख रहे हैं, उसमें उस दूसरी टेबल में जो डेटा है उसका रेफरेंस यहां दे रहे हैं। ये डेफिनेटली ये की यहां पर क्या होगी साहब, प्राइमरी की होगी। ये की यहां पर क्या होगी साहब, प्राइमरी की होगी, ठीक है ना। और ये दोनों कीज इस टेबल में क्या कही जाएंगी, फॉरेन की कही जाएगी, फॉरेन की कही जाएगी। आई गेटिंग माई पॉइंट? हम कह रहे हैं यहां पर ये फॉरेन की है, जबकि इस टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। क्या मतलब हुआ सर, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लें। ओके, मुझे हटाना पड़ेगा ये। या बेटर है मैं वो दोनों टेबल्स हटा देता हूं। फॉरेन की किसी टेबल के वो एट्रीब्यूट जो किसी अन्य टेबल के प्राइमरी की के साथ मैच करते हैं उन्हें फॉरेन की कहा जाता है। फॉरेन की क्या हुआ सर, इस टेबल के एट्रीब्यूट किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की के साथ में एसोसिएटेड है, तो सब इसे कहते हैं फॉरेन की। आशय बिल्कुल क्लियर होगा आपको, कंसेप्ट ऑफ कीज, सुपर की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, दिस मस्ट बी क्लियर। चले आगे, चलिए सर आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं, जब हम ईआर डायग्राम लिख बनाते हैं तो ईआर डायग्राम बनाने के लिए कुछ एक चिन्ह हम काम में लेते हैं। वो कौन कौन से चिन्ह है, कौन कौन से साइन है जिसके थ्रू की हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। देखिए सर, सबसे पहला है एंटिटी को रिप्रेजेंट करना, एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करना। एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं रेक्टेंगल, आयत।
एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं आयत। इसके बाद है वीक एंटिटी टाइप, वीक एंटिटी टाइप जिसमें प्राइमरी की नहीं होता, ऐसी एंटिटीज हो सकती हैं, एंटिटी टाइप हो सकती हैं जिसमें प्राइमरी की नहीं है, उन्हें हम कहते हैं वीक एंटिटी टाइप। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो आयत काम में लेते हैं, एक और दो। वीक एंटिटी टाइप वो एंटिटी टाइप है जिसमें की प्राइमरी की नहीं होता, ठीक है सर। इसके बाद रिलेशनशिप टाइप, रिलेशनशिप के लिए मैं इनको हटा देता हूं जो अपन ने अभी बनाया है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप जो होती है दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन बनाना है, उनके लिए अपन क्या काम में लेंगे, उनके लिए अपन डायमंड काम में लेते हैं इस तरीके का। अभी अपन एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होपफुली। ये आपका है रिलेशनशिप टाइप, दो एंटिटीज के बीच में जब संबंध दिखाना है, दो एंटिटीज के बीच में जब संबंध दिखाना है तो उसके लिए हम ये डायमंड या हीरे का निशान काम में लेते हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोलते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बोलते हैं जहां पर कि एक वीक एंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ संबंध हो, वीक एंटिटी का स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ संबंध हो, जब एक वीक एंटिटी का स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ संबंध हो। दो जो एंटिटीज हैं, एक में प्राइमरी की है, एक में प्राइमरी की नहीं है, तो जिसमें प्राइमरी की नहीं है उसे हम क्या कह रहे हैं, वीक एंटिटी, ठीक बात है सर। तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, कई जगह पर इसको वीक रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ओके। चलिए, इसमें दो हीरे के निशान काम में लेते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे इसको, कुछ इस तरीके से, एक और दो। ठीक बात है साहब। किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए इलिप्स वाला साइन लेते हैं, ये वाला साइन, अंडाकार एट्रीब्यूट के लिए, किसके लिए, सॉरी एट्रीब्यूट्स के लिए, एट्रीब्यूट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको प्राइमरी की को या की के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है तो एट्रीब्यूट को अंडरलाइन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे सब, एग्जांपल देख लेते हैं एक बार अपन, है ना। जैसे आपने कहा साहब, एक हमारे पास है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एक टेबल है, एम्प्लॉई एक एंटिटी है, एक हमारे पास है डिपार्टमेंट एंटिटी। एम्प्लॉई क्या करता है, किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, हमने कहा ये रिलेशनशिप है वर्क्स इन, तो एम्प्लॉई वर्क्स इन दिस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क्स इन दिस डिपार्टमेंट, सीधी सी बात है। अब एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या होगा, हमने कहा सब एम्प्लॉय का जो नाम हो सकता है,
हमने कहा साहब इसकी डेजिग्नेशन हो सकती है, हमने कहा साहब एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, हमने कहा साहब इसका कोई मोबाइल नंबर हो सकता है। इसी तरह डिपार्टमेंट का क्या होगा साहब, डिपार्टमेंट का कोई आईडी हो सकता है, डिपार्टमेंट का कोई नाम हो सकता है, से डिपार्टमेंट की कोई लोकेशन हो सकती है कहां पर है। तो ये सब क्या है, ये तो एंटिटी है, ये क्या है, ये एंटिटी है, ये क्या है, रिलेशन है। गेटिंग माई पॉइंट। और एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, मोबाइल है, नाम है, डेजिग्नेशन है। डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, सीधी सी बात है। अब आपने कहा कि सब यहां पर एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे। यहां पर डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है तो इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, तो इससे पता चल जाएगा, जिसको भी हम ये डायग्राम देंगे वो देखते ही बता देगा कि भैया इसमें ई आई डी जो है वो प्राइमरी की है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी तक जो एट्रीब्यूट अपने काम में लिए थे उसके साथ काम करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए सर, इसके बाद पार्शियल की एट्रीब्यूट अगर है तो अंडरलाइन एट्रीब्यूट काम में लेंगे, डैश अंडरलाइन। कैसे, जैसे आपने यहां पर कहा कि भाई हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जैसी कोई चीज नहीं है, हमने कहा साहब हमारे पास है ईमेल, और ईमेल और मोबाइल दोनों मिलकर प्राइमरी की है, दोनों मिलकर यूनिक होना चाहिए, दोनों मिलकर एक यूनिक को आइडेंटिफाई कर पाए ऐसा होना चाहिए। तो भाई यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों के नीचे डैश अंडरलाइन आप देंगे। डैश अंडरलाइन से क्या पता चलेगा, डैश अंडरलाइन से पता चलेगा कि दोनों मिलकर प्राइमरी की बन रहे हैं। पार्शियल की एट्रीब्यूट की का पार्ट है, राइट। चलिए, डबल इलिप्स मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जैसे मोबाइल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मल्टीपल मोबाइल नंबर रखने हैं तो क्या करेंगे, डबल इलिप्स। अपन इन सब के एग्जांपल्स आगे देखेंगे, ठीक है। इलिप्स अटैच टू इलिप्स, अगर आपके पास कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है तो इलिप्स के साथ दूसरे इलिप्स आप अटैच कर सकते हैं। डैश्ड इलिप्सेज, अगर आप कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, डैश्ड इलिप्सेज। लाइंस एट्रीब्यूट्स के बीच में और एंटिटी के बीच में जो लाइंस अपन खींच रहे थे अभी थोड़ी देर पहले भी अपने एग्जाम्पल में देखा था, डबल लाइंस। डबल लाइंस आपका किसको बताता है, टोटल पार्टिसिपेशन को। पार्टिसिपेशन टोटल और पार्शियल क्या होता है अभी बात कर लेते हैं। देखिए सर, दो टाइप के रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स होते हैं, दो टाइप के रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कौन कौन से। एक तो आपका कार्डिनलिटी रेशियो होता है और एक होता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। कार्डिनलिटी रेशियो का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी रेशियो का मतलब है कि एक एंटिटी टाइप की कितनी एंटिटीज दूसरी एंटिटी टाइप की एंटिटीज के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम करता है या एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक एंटिटी सेट के कितनी एंटिटीज दूसरी एंटिटी सेट की एंटिटीज के साथ रिलेटेड है, ये कार्डिनलिटी रेशियो बताता है।
एक एंटिटी टाइप की कितनी एंटिटी दूसरे एंटिटी टाइप की कितनी एंटिटी से रिलेटेड है, ये कार्डिनलिटी रेशियो बताता है सर। देखिए कार्डिनलिटी रेशियो को हम मोटे तौर पर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से तीन कैटेगरीज हैं? 1:1, आपने कहा एक एंटिटी टाइप की एक रिलेशन, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी टाइप की एक एंटिटी के साथ एक 1:1 रिलेटेड है। जैसे आपने कहा एम्प्लॉय मैनेजेज मैनेजेज डिपार्टमेंट, मान के चले यहां पर एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, हम इस तरह 1:1 लिख देते हैं। 1:1 आपका किसको रिप्रेजेंट करता है कि दोनों तरफ का एक एंटिटी, एक एम्प्लॉय मैनेज करता है एक डिपार्टमेंट को। ओके, 1:2 many रिलेशन, 1:2 many रिलेशन, माना कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, हमने कहा एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय कितने हैं एक, प्रोजेक्ट कितने हैं एन हो सकते हैं, तो हमने कहा एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। आपने कहा साहब हमारे यहां ये है कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल लोग हैं और एक आदमी मल्टीपल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल लोग हैं ठीक है ना, और एक आदमी मल्टीपल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय वर्क्स इन से डिपार्टमेंट, आपने कहा एम एन समझ रहे हैं आप बात को, तो 1:1 हो सकता है, 1:2 many हो सकता है, many to many हो सकता है, many to 1 भी कई बुक्स में हमें मिलता है, तो 1:2 many का ही एक दूसरा फॉर्मेट है ना, इसलिए अपन नहीं ले रहे। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, राइट। तो इस केस के अंदर ये हम इसे कहते हैं कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी रेशियो में बताता है एक एंटिटी टाइप की कितनी एंटिटीज दूसरे एंटिटी टाइप की एंटिटीज के साथ में रिलेटेड है। ओके, पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन होता है और पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। आपने कहा साहब एक मेरे पास एम्प्लॉय है, और किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, वर्क्स इन से आपने कहा डिपार्टमेंट। अब कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में होगा या नहीं होगा, हो सकता है किसी एम्प्लॉय कोई कुछ एम्प्लॉय ऐसे हो जो किसी डिपार्टमेंट में हो ही नहीं, हो सकता है ना, लेकिन आप कहते हैं नहीं साहब हमारे यहां ये है कि एवरी एम्प्लॉय हैज टू बी इन वन डिपार्टमेंट, इट इज मस्ट। जहां पर आप मस्ट कह रहे हैं वहां पर आपको एक लाइन और खींच देनी है, ये आपका क्या बताएगा, टोटल पार्टिसिपेशन, और जहां पर डबल लाइन नहीं है इसका मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन। डबल लाइन आपको बताता है टोटल पार्टिसिपेशन कि सारे के सारे एम्प्लॉय हैज टू वर्क इन डिपार्टमेंट, इन सम ऑफ इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, समझ रहे हैं आप बात को, तो ये आपके है पार्टिसिपेशन रेशियो, पार्टिसिपेशन कंस्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कुछ एक ईआर डायग्राम्स को देखेंगे, हम देखते हैं अगर टाइम मिला तो अपन ये भी चेक करते हैं कि ईआर डायग्राम से टेबल्स किस तरह कन्वर्ट की जाती है। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।